अभी देखेंगे तो हमारा जो स्टेट में आज 27 अप्रैल है, हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अनुगुल में 44.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हमारा कैपिटल सिटी जो है भुवनेश्वर है उसमें भी 44.6 और बारीपदा में 44.2। लगभग अगर देखा जाएगा 33 स्टेशंस में 40 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। लगभग 14 स्टेशन में 43 डिग्री सेल्सियस और एबव रिकॉर्ड हुआ है। अभी अगर देखा जाएगा तो 15 ऑनवर्ड्स, आज 27 है, लगभग आपका जो है लास्ट 13 डेज में उड़ीसा में कंटिन्यूसली ही हीट वेव ट्रेवल करा है। 2010 के बाद अगर देखा जाए ये सबसे जो कंटिन्यूटी लॉन्ग स्पेल रहेगा हीट वेव के डाटा सिंस 2010। और भुवनेश्वर में भी, भुवनेश्वर सिटी में खास करके देखा जाएगा तो हमारा जो है कंटिन्यूसली लास्ट अगर 14 डेज में 40 डिग्री से टेम्परेचर नीचे नहीं गिरा, ये भी लार्जेस्ट एक रिकॉर्ड है। और आज का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है भुवनेश्वर में 44.6, ये 4th हाइस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर है इन द मंथ ऑफ अप्रैल में, ये 4th हाइस्ट है। और लगभग अगर देखा जाए कि सीवियर हीट वेव कंडीशन, भुवनेश्वर का जो डिपार्चर है फ्रॉम नॉर्मल से 6.8 डिग्री सेल्सियस है, वैसे ही बारीपदा में भी 6.7 डिग्री सेल्सियस है, जाजपुर में जो 43.5 है, ये सीवियर हीट वेव कंडीशन इस जगह में प्रिवेल किया है। लगभग अगर देखा जाएगा तो जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा है उस जिले में लगभग सभी जगह में हीट वेव कंडीशन रिवेल किया गया और इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में भी, नॉर्थ उड़ीसा में कुछ कुछ जगह में हीट वेव कंडीशन प्रिवेल। ऐसा कंडीशन अभी अगले 4-5 दिन तक रहेगा, क्योंकि जो तापमान है उसमें अगले 24 घंटा में सामान्य जैसे 2 डिग्री तक बढ़ने का चांसेस है। जैसे इंटीरियर उड़ीसा कुछ कुछ इलाके में 45 डिग्री या उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर रिकॉर्ड होने का चांसेस है, जैसे झारसूगुड़ा, बलांगीर, टिटलागढ़, बौद्ध, अनुगुल, ये सब जगह में भी 45 और उससे ज़्यादा सा टेम्परेचर रिकॉर्ड होने का चांसेस है। उसको देखते हुए हम लोग लगभग लास्ट जो 12 तारीख से कंटिन्यूसली हम फ्रेश रिलीज दे रहे हैं हीट वेव के रिलेटेड स्टेटस। और जो पूर्वानुमान किया गया है इस कंडीशन में ज़्यादा चेंजेस होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जो विंड पैटर्न है रेनफॉल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहीं भी लोकली कुछ कुछ जगह में हल्का बारिश अभी रिकॉर्ड हो रहा है।